नमस्कार, मैं हूं प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं इन24 न्यूज की खास पेशकश, रिजर्वेशन नियमों में बदलाव। जी हां, भारतीय रेलवे ने ट्रेन में रिजर्वेशन के नियम में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। रेलवे के फैसले के मुताबिक अब टिकट बुकिंग में एडवांस रिजर्वेशन पीरियड की समय सीमा 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी गई है। यानी अब 60 दिन से पहले टिकट की बुकिंग नहीं हो सकेगी। नया नियम 1 नवंबर 2024 से लागू होगा। वहीं अब ये सवाल उठ रहे हैं कि रिजर्वेशन के नए नियम से पैसेंजर और सरकार में किसे फायदा और नुकसान होगा। इसके अलावा कैंसिलेशन का रूल क्या है, जिसको लेकर रेलवे का कहना है कि ज्यादा कैंसिलेशन और सीटों की बर्बादी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। रेलवे ने कहा कि 120 दिन का एडवांस रिजर्वेशन पीरियड बहुत लंबा हो जाता था। इस अवधि में कराए गए करीब 21% टिकट निरस्त करवाए जाते थे, जबकि 5 से 4% लोग यात्रा नहीं करते थे। कई मामले ऐसे भी आए हैं जिनमें यात्रियों ने अपना टिकट कैंसिल नहीं करवाया है, जिससे धोखाधड़ी की संभावना बनी रहती है और जरूरतमंद टिकट के लिए भटकते देखे गए। रेलवे के मुताबिक सिर्फ 13% लोग ही 4 महीने पहले ट्रेन का टिकट एडवांस में बुक करते थे, जबकि ज्यादातर टिकटों की बुकिंग यात्रा के 45 दिनों के अंदर होती थी। आपको बता दें कि 12 दिन बाद दिवाली और उसके बाद छठ पूजा है, दोनों बड़े त्योहार हैं और ऐसे में समय शहरों में नौकरी पेशा लोग अपने गांव और घर जाते हैं, भीड़ ज्यादा होती है, ट्रेन से लेकर एयर टिकट तक आसानी से नहीं मिलते हैं और आम लोगों को परेशान होते देखा जाता है। इस दौरान कालाबाजारी भी बढ़ जाती है, इससे रेलवे को भी नुकसान होता है और अवैध वसूली की शिकायतें आने लगती हैं। रेलवे का कहना है कि त्योहारों के समय ट्रेनों में यात्रियों की ज्यादा भीड़ को देखते हुए नियम में संशोधन किया है। इसमें कालाबाजारी भ्रष्टाचार पर भी काफी हद तक अंकुश लगेगा। रिजर्वेशन समय सीमा में कटौती से रेलवे को सबसे ज्यादा सुविधा विशेष ट्रेनों को चलाने की योजना बनाने में होगी, क्योंकि कम कैंसिलेशन और यात्रियों की भीड़ को देखते हुए सही स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकेगा। इससे यात्रियों और रेलवे दोनों की परेशानी और चुनौतियां कम होंगी। आपको बता दें कि ट्रेनों में एडवांस टिकट बुकिंग की अवधि में समय समय पर परिवर्तन होता आया है। यदि हम मौजूदा नियमों की बात करें तो अभी तक के नियम के मुताबिक यात्रा से पहले 4 महीने के अंदर ट्रेन टिकट की एडवांस करा सकते थे। रेल मंत्रालय ने 25 मार्च 2015 को बुकिंग की अवधि 60 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दी थी। अब एक बार फिर ट्रेन टिकट बुकिंग की अवधि 60 दिन कर दी गई है। इससे पहले रिजर्वेशन की अवधि 45 दिन और 90 दिन भी रही है। एनालिसिस के बाद रेलवे ने तय किया है कि यात्रियों की सुविधा के लिहाज से अधिकतम 60 दिन ही रिजर्वेशन हो, अवधि सर्वोत्तम हो सकती है। हालांकि जिन यात्रियों ने पहले से टिकट बुक करवा रखे हैं, उन पर नए नियम का असर नहीं होगा। रेलवे का कहना है कि नया नियम 1 नवंबर 2024 से लागू होगा। 120 दिन के नियम के तहत 31 अक्टूबर तक की गई बुकिंग बरकरार रहेगी, यानी 31 अक्टूबर तक हुए आरक्षण का इस पर असर नहीं होगा। हालांकि अगर आपने 60 दिनों के आगे की टिकट अभी से बुक कर ली है तो उसे कैंसिल करने के नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं नए नियम के मुताबिक टिकट कैंसिलेशन की अवधि भी 60 दिन होगी, यानी आपको अपना टिकट रद्द कराना है तो इसी अवधि के भीतर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। वहीं जिन ट्रेनों का एडवांस रिजर्व पीरियड पहले ही कम है, उन पर नए नियम का असर नहीं होगा। ऐसी ट्रेनों में गोमती एक्सप्रेस और ताज एक्सप्रेस जैसी गाड़ियां शामिल हैं। इन ट्रेनों में वर्तमान में अग्रिम आरक्षण के लिए कम समय सीमा पहले से ही लागू है। विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिन की सीमा के मामले में भी कोई बदलाव नहीं होगा। विदेशी पर्यटक पहले की ही तरह 365 दिन की समय सीमा में रिजर्वेशन करवा सकेंगे। आपको बता दें कि देश में ऐसे लाखों लोग हैं जो अपने शहर से कई किलोमीटर दूर पढ़ाई करने या रोजगार के लिए जाते हैं, या कई बार सरकारी परीक्षाओं के लिए लाखों स्टूडेंट दूसरे शहर में परीक्षा देने जाते हैं। इनमें ज्यादातर लोगों के लिए ट्रेन से सफर करना आर्थिक तौर पर एक बहुत बड़ी सुविधा है। कई मुख्य त्योहारों के समय ट्रेन में भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि लोगों को खड़े होने के लिए जनरल टिकट भी नहीं मिलता है, इसलिए ट्रेन की एडवांस बुकिंग को लेकर लोग पहले से काफी सतर्क रहते हैं। कई लोग ऐसे होंगे जो दिवाली और छठ पर अपने घर अपने गांव जाने के लिए पहले से ट्रेन की टिकट कर चुके होंगे। ऐसे सभी लोग जिन्होंने 31 अक्टूबर से पहले पुराने नियम के हिसाब से ट्रेन की टिकट बुक कर ली है या करते हैं, उनकी यात्रा पर रेलवे के नए नियमों का कोई असर नहीं पड़ेगा। पहले के नियम के मुताबिक जब कई लोग 3-4 महीने पहले ही
टिकट बुक कर लेते हैं तो यात्रा की तारीख से एक महीना पहले भी दूसरे यात्रियों को लंबी वेटिंग झेलनी पड़ती थी। इसलिए नए नियम के लागू होने के बाद यात्रियों के लिए यात्रा से कुछ दिनों पहले ही टिकट उपलब्ध रहेंगे और टिकट के कैंसलेशन और रिफंड से जुड़ी दिक्कतों में भी सुधार किया जा सकेगा।